नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है बिहार की 10 सुपर फास्ट खबरों का। बिहार विधानसभा का 17वां सत्र आज से शुरू, नए विधायकों को दिलाई गई शपथ। बिहार विधानसभा सत्र के पहले ही दिन AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से किया इनकार, इसकी जगह विधायक ने भारत शब्द का किया प्रयोग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विधानसभा सत्र के बाद कर सकते हैं अपने मंत्रिमंडल का विस्तार। 27 नवंबर तक चलने वाले बिहार विधानसभा सत्र की आज से हुई है शुरुआत। बिहार के गया में 10 लाख का इनामी नक्सली शोक उर्फ गुलशन को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। गया के माधुरी गांव में हुई मुठभेड़। कोरोना के मद्देनजर बिहार में अभी बंद रहेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी बोले, खतरे में नहीं डालेंगे बच्चों की जिंदगी। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा से 25 लाख रंगदारी मांगने वाला मुन्ना खान निकला पूर्व कर्मचारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छपरा के गरखा थाना के मोतीराजपुर में अपराधियों ने 3 लोगों को घर से बुलाकर मारी गोली। घटना के बाद पकड़े गए एक आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा, आरोपी की हुई अस्पताल में मौत। बिहार में नई व्यवस्था के तहत अब निकटवर्ती जिलों के पैनल से भी होगा कार्यपालक सहायक का नियोजन, बशर्ते ऐसे जिलों के पास कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन के लिए अपना पैनल ना हो। पहाड़ों में बर्फबारी से बिहार में बढ़ी ठंड, पटना में 2 साल के ठंड का रिकॉर्ड टूटा। बिहार के सुपौल में बाइक के लिए झगड़े के बाद पत्नी की गोली मारकर हत्या, आरोपी पति फरार। तो ये थी बिहार की 10 सुपर फास्ट खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन है, घंटी है, उसे भी दबा दें ताकि देश दुनिया की तमाम खबरों से और बिहार की सुपर फास्ट खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। नमस्कार।